मंदसौर बलात्कार कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी। मालवा मिरर के लिए पीथमपुर से अमित त्रिवेदी की रिपोर्ट। मंदसौर में हुए जघन्य बलात्कार कांड ने हर नागरिक को अंदर तक झकझोर दिया है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, इस घटना से सभी चिंतित हैं। आज पीथमपुर महिला कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने पीथमपुर के जयनगर कॉलोनी में मंदसौर कांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, युवक और बच्चे शामिल हुए। कैंडल मार्च में आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग करने वाले नारे लगाते युवक हाथों में मोमबत्ती लिए चल रहे थे। महिलाएं मंदसौर में हुए इस कृत्य से ज्यादा आहत नजर आ रही थीं। धार की जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस कविता प्रदीप द्विवेदी ने बताया, जो आरोपी है कोर्ट उनको फांसी नहीं दे सकती है, इतनी जल्दी फांसी नहीं दे सकती है। कोर्ट को सिर्फ उस व्यक्ति को जनता को सौंप देना चाहिए, जनता का हकदार है, वो जनता उसको सजा दे, जनता उसको सजा देगी और वो इसका हकदार भी बनता है। उसने इतना गलत किया है और हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन बेटी बचाएं कैसे? अब तो बेटी पैदा करने में भी डर लगने लगा है कि हम क्या उसको संभाल पाएंगे, हम क्या उसको। पहले ये होता था कि हम दहेज के लिए बेटियों को पैदा नहीं करते थे, लेकिन अब हम ये ऐसे कामों के लिए बेटियों को पैदा करने में डरने लगे हैं, कैसे बेटी को हम बचा पाएंगे। मजदूर नेता डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया, आम जनताओं के सामने खुलेआम इनको बड़ी से बड़ी सजा के रूप में फांसी की सजा देना चाहिए। एवं मध्य प्रदेश सिर्फ ये मंदसौर की घटना नहीं है, पीतमपुर, इंदौर, दमोह, मध्य प्रदेश के अन्य भागों में भी जहां भी महिलाओं के साथ ही कृत्य हो रही है उनके भी विरोध में बड़ी से बड़ा कदम उठाना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी महिला की सुरक्षा के लिए एक अपनी एक सुरक्षा मुस्तैद करने की कोशिश करना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की महिला एवं बालिका सुरक्षित रहे। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं। चैनल पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।